गाइस आज हर नॉन मेडिकल वाले मोस्टली JEE कर IIT में जाना चाहते हैं। पिछले साल 10 से 11 लाख बच्चों ने JEE एग्जाम दी और सभी का ड्रीम IIT में जाना था, मगर 16 से 17 हजार बच्चे जा पाए। अब बाकी के बच्चों का क्या हुआ था, क्या उनकी लाइफ खराब हो गई? वेल, आप या हर कोई मोस्टली IIT में क्यों जाना चाहते हैं? जैसे वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर बनने के लिए BTech, फिर MTech और फिर PhD और फिर 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें भी 4 साल का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट बेस्ट फैसिलिटी IIT में मिलती है वो है डांस, म्यूजिक और भी कई सारे क्लब, जिससे एकेडमिक के साथ ओवरऑल ग्रोथ होती है। हर कॉलेज और स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज है प्लेसमेंट, क्योंकि कुछ भी करो पैसा कमाना हर किसी का मोटिव और जरूरत होती है। वैसे IIT का एवरेज पैकेज 7 से 10 लाख का होता है, और इंडिया के बाहर की कंपनी प्लेसमेंट देती है तो वो करोड़ों में भी जाती है। IITian होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके सीनियर या बैचमेट टॉप लेवल पे हो तो आपको इजीली सब कुछ अवेलेबल होता है, और IIT एक ब्रांड, एक ऐसा ठप्पा है जिसके लगते ही लोगों के बीच में आपकी इमेज बढ़ जाती है और फिर उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अब अगर ज्यादा से ज्यादा IIT नहीं मिला तो क्या होगा? फिर से ट्राई करना होगा, 2 या 3 टायर कॉलेज में जाना होगा, या लोग ताने मारेंगे या कहेंगे कि IIT छोड़ दो, कुछ और करो, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हो कि लाइफ बर्बाद हो चुकी है? ये सोचो कि यही सही वक्त है आपकी कैपेबिलिटीज पहचानने का। वैसे भी लोगों का एक ही माइंडसेट होता है और उन्हें यही मालूम है कि ये IIT है, 12th में 90% होने चाहिए, फिर जॉब, शादी और बच्चे। लेकिन आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि जो मेहनत आज IIT में जाने के लिए की है उतनी ही मेहनत लाइफ टाइम करोगे। फिर तो आप IIT से भी प्लेसमेंट मिलने वाले बच्चों से भी ज्यादा कमाओगे और ज्यादा चीजें सीखोगे। वैसे भी मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, उसी तरह IIT बस एक रास्ता है, यानी एक पढ़ाई है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब वो पढ़ाई चाहे आप किसी और प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि IIT में भी प्रोफेशनल प्रोफेसर अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जिससे कुछ को समझ में आता है और कुछ को नहीं। यानी टीचर्स का रोल भी आपके लाइफ में 20 से 30% ही होता है, बाकी सब कुछ आपको ही करना होगा। क्योंकि जो कॉलेजेस आपको सिखाते हैं वो फंडामेंटल्स के लिए ठीक है, और जो कॉलेजेस 3 से 4 साल सिखाते हैं या रट्टा मरवाते हैं, उसमें से 90% तो जॉब करते वक्त या स्टार्टअप करते वक्त काम ही नहीं आता। जिसका ये मतलब है कॉलेजेस ये नहीं सिखाते कि सीखते कैसे हैं, और कुछ सीखने के लिए आपको कंपनीज में जाना होगा या इंटर्नशिप करनी होगी। वैसे आज भी कॉलेजेस पुराने सिलेबस रटवाती रहती है, लेकिन जमाना है टेक्नोलॉजी वाला, जिसमें इंटरनेट से सीखना होगा। यानी अब एक अच्छा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरनेट से यूट्यूब पर सीख कर बना जा सकता है। आपको ऐसे ग्रुप या एनवायरमेंट में रहना होगा जो कंपनीज या स्टार्टअप जैसे टॉपिक्स पर बात करें, क्योंकि IIT में बच्चों का माइंडसेट और एनवायरमेंट ऐसा ही होता है, और टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हो वो मैटर करता है। इसलिए जिस ग्रुप में आप पूरा टाइम स्पेंड करते हो तो देखो क्या उनकी बातें आपके काम की है। अगर IIT नहीं जा पाए तो लोगों के ताने और लोगों की सोच कि IIT के बिना कुछ नहीं हो सकता, इन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। यार IIT JEE के लिए 100% दिल से पढ़ना चाहिए, लेकिन किन उसी को सब कुछ या अपने लाइफ का एक लौता ऑप्शन नहीं मानना चाहिए। क्योंकि 4 साल का BTech अच्छी तरह करके भी आप साइंटिस्ट, इंजीनियर या जो भी बनना चाहो बन सकते हो। बस सक्सेस हर किसी को अलग अलग उम्र में मिलती है, और वैसे भी हर कॉलेजेस के जैसे IIT में भी कुछ खराब चीजें होती है। जैसे कुछ बच्चे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, मगर मार्क्स की बेसिस पर उसको वो ब्रांच नहीं मिलने की वजह से सिविल इंजीनियरिंग करना पड़ता है। कई IITians और कोटा वाले पढ़ाई के प्रेशर में लगे पड़े रहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि जॉब के अलावा क्या करना है। IIT में या कई और कॉलेजेस में भी कई बच्चे 9 से 10 दिन पढ़कर एग्जाम में छाप देते हैं और उन्हें भी मार्क्स मिल जाता है। या मेजर जनता टॉप बच्चे या सीरियस पढ़ने लिखने वाले बच्चों के असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट कॉपी कर लेते हैं और उन्हें भी मार्क्स मिलता है। IIT से हर किसी को लाखों और करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता। जैसे कुछ को खूब मेहनत करके भी पैकेजेस नहीं लगते, और कुछ 10 से 20 दिन मेहनत करके भी थोड़े बहुत पैकेजेस में तो लग ही जाते हैं, जिससे वो अपने ऊपर से बेरोजगारी का ठप्पा हटाने के लिए जॉब करते हैं। इसलिए आप अपने इंटरेस्ट को देखकर पढ़ाई करो, क्योंकि जो मेहनत करता है वो किसी भी कॉलेज से सक्सेस हो सकता है। क्योंकि अभी तक जितने भी अरबों में कमाने वाले हैं वो कभी भी कॉलेज पर डिपेंड नहीं हुए, और शायद ही कोई IITian टॉपर होगा। उन्होंने लाइफ में खुद ही से सीखा और खुद ही पर ही अप्लाई किया, इसलिए अब ये आप पर है, क्योंकि लाइफ का एक छोटा हिस्सा ही आपने इस्तेमाल किया, और यही सही वक्त है सीखने का और कर दिखाने का। कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।